हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त कंचन आपके लिए लेकर आती हूँ प्लांट बेस्ड वीगन स्किन केयर, हेयर केयर, और अब मैं रेसिपीज़ भी ऐसे ही बनाने की ट्राई कर रही हूँ। और मेरे वीडियोस ज़्यादातर आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो शेयर किया है आपके बालों की हेल्थ को लेकर, आपके बालों की ब्यूटी को लेकर। कौन नहीं चाहता दोस्तों कि उसके सुंदर लंबे घने काले शाइनी बाल हों और स्मूथ हों, सिल्क जैसे हों। तो उसके लिए ना, और ग्रेइंग आजकल बहुत बड़ी समस्या है, तो उसके लिए मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा हेयर मास्क है जिसमें मैंने ये अपना पाउडर डाला हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने ये पाउडर बना के स्टोर कर लिया है कांच के बर्तन में। इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिएगा वो मैं आपको बताती हूँ। प्लस ये लगाने से क्या है कि आपकी जो ग्रेइंग है ना वो रुक जाएगी। और अभी तक मैंने डाइवर्ट होते हुए तो नहीं देखी है, मगर कुछ कह नहीं सकते। और बॉडी टू बॉडी, स्किन टू स्किन, हेयर टू हेयर डिफ़र भी करते हैं रिजल्ट्स। किसी को जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, किसी को थोड़ा टाइम मिल लगता है। तो आप जब भी कोई भी होममेड रेमेडी यूज़ करें तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। क्योंकि कई बार ना बहुत जल्दी, बल्कि हम लोग ना ऐसे हम लोगों को लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि जो होममेड रेमेडीज़ होती हैं वो बहुत जल्दी फ़ायदा करती हैं। तो हम लेकिन यकीन नहीं करते, हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि अरे इससे कुछ नहीं होगा। और आजकल आपने एडवर्टीजमेंट भी ऐसे देखी होगी कि मैंने बेसन लगा लिया, मैंने ये लगा लिया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने ये कंपनी का प्रोडक्ट लगाया, फिर मुझे फ़ायदा हुआ। ऐसा नहीं है गाइस, आप वीगन प्रोडक्ट्स लगाइए, घर पर बना के लगाइए, नहीं तो जिससे भी खरीदिए वीगन खरीदने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ें ली हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है हमारे किचन में मिलने वाली चाय पत्ती, ये है मेथी, ये है काली सरसों, ये बहुत कम अमाउंट में, यानी इन सबका चौथाई भी नहीं है, ये लौंग, यानी एक जो 10 रुपये वाला पैकेट आता है ना वो आप खोल कर डाल सकते हैं। मैंने वो वाली लौंग डाली है जिसमें फूल अलग हो गए ना, तो ये पूजा में इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो मैंने ये डाल दी है। ये कलौंजी इन सब से थोड़ी ज़्यादा, यानी अगर ये एक है तो ये 1.5 है, ठीक है। और ये पीली सरसों बराबर, ठीक है। और आपने लेने हैं संतरे के छिलके, संतरे के छिलके मैंने ऐसे ही ले लिए हैं। इसको आप नहीं है ऐसे ही लिए, लगभग 3-4 संतरों के छिलके हैं सूखे हुए। अब हमने क्या करना है, अब हम लेंगे एक लोहे की कढ़ाई। और तो दोस्तों अब हम लोहे की कढ़ाई में ये सारी चीज़ें एक एक करके डाल लेंगे। जितनी भी चीज़ें हमने मिलाई हैं, रखी हैं, उन सबको आगे पीछे डालने का कोई इशू नहीं है। बस आपने लोहे की कढ़ाई में डाल के और इनको रोस्ट कर लेना है, भून लेना है। तो रोस्ट करने में यह है कि इसमें कोई ये नहीं है ज़्यादा या कम। अब क्योंकि राई चटक रही है तो बाहर न गिरे, इसलिए मैंने इसको ढक दिया था। और तब तक मैंने ना संतरों के छिलके के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे। और अभी देखिए पूरा भून चुका है अच्छे से, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसको मैं एक साइड पर निकाल के रख दूँगी प्लेट में ठंडा होने के, ताकि हम इसको ग्राइंड कर सकें। और जो संतरे के छिलके हैं ना उनको हम बिल्कुल सेम फ्लेम पे गरम करेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं भूलेंगे। तो इनको आपने गरम कर लेना, जब थोड़े करारे क्रिस्पी से हो जाए तो इनको ग्राइंड कर लेंगे, एक बार पीस लेंगे इन्हें। क्योंकि जो संतरों का छिलका है उसको हमें बिल्कुल ब्लैक करना है। उसके बाद देखिए ये ठंडा हो चुका है हमारा, तो इसको हम ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे अच्छे से, जितना आपसे फाइन पीस सके उतना पीस लेना। अब ये है ना, देखिए ऐसा बना है मेरा। अब मैंने इसे छानने की कोशिश की, इतने ये टुकड़े जो हैं इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और ये ठंडे हो गए ना, तो ठंडे होने के बाद ही ग्राइंड करेंगे। अब मैंने ना इसको छानने की कोशिश करी कि चलो इसको फाइन करने के लिए छान के देखते हैं। तो देखिए आप ये कोशिश मत करना, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आपका, बर्तन ज़्यादा ख़राब होंगे, क्योंकि ये छनता नहीं है बहुत कम। ऐसा क्यों नहीं छनता है, क्योंकि इन दानों में ना बीचों में अपना ऑयल होता है, ये रिलीज़ करते हैं, तो वो छनने की बजाय ना छन्नी में चिपकना शुरू हो जाता है। देखिए इतनी देर में सिर्फ इतना सा निकला है। तो इससे बेहतर है कि आप इसे ग्राइंड कर लें। और बस ऐसे ही, ये बताने में आपको भूल गई, ग्रेइंग के साथ साथ ये आपके हेयर लॉस पे भी बहुत असर करते हैं, क्योंकि जो मौसम चल रहा है ना ये बाल गिरने का ही चल रहा है। तो अब देखिए संतरा जो है पीसने की बारी आ गई है, इसको मैंने पीस लिया है। अब इसको ना कढ़ाई में डाल के मैं रोस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे इसका कलर ब्लैक चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ब्लैक या ब्राउन टाइप का हो जाएगा ये भूनने के बाद में। तो हम इसे भून लेंगे धीरे धीरे, आंच पे भूनते रहेंगे। इसमें से खुशबू भी रिलीज़ होती है, संतरों के छिलकों में भी अपना एक ऑयल होता है। तो इसको भूनने के बाद में देखिए, जब ये भुनेगा ना तो इस तरीके से धुआं छोड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि रोस्ट हो गया है। तो अब देखिए ये तो था वो वाला, अब ये देखिए इसका कितना ऑयल है, ये देखिए ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसमें कुछ मिला दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी मिलाया नहीं है, ये तेल बीजों का ही ऑयल है। और आप ना एकदम से नहीं पीसना इनको, हल्के हल्के पल्स मोड पर पीसना,
ठीक है, धीरे 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 ग्राइंड करना, तो ये अपना ना ऑयल रिलीज करते जाएंगे। और ये जो ऑयल होता है हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद में हम इसमें मिला देंगे अपना संतरे का जो कॉफ़ी कलर का बन चुका है वो मिला देंगे इसी में मिला देंगे। और इसको अपना एक कंटेनर में भर के रख लीजिएगा। इसमें भी अपना ऑयल होता है। तो गैस डबलिंग करने से पहले मैंने दोनों पाउडर्स को एक बार मोटी छन्नी से छान लिया था और छानने के बाद ना उनको आपस में मिक्स कर लिया था अच्छी तरीके से। और उसके बाद में आप इसको भरना, और जब आप छानेंगे ना तो रेजिड्यू बचेगा आपका मोटा मोटा ऊपर। इसको आप बॉयल करके भी अपने बालों में इसके पानी को लगा सकते हैं, या इसको तेल में पका कर भी अपने बालों में लगा सकते हैं। इसको आपने फेंकना नहीं है, और सब तेल में उबालने के बाद पानी में उबालने के बाद जो बचेगा उसको अपने पौधों में डाल देना, फेंकना मत। तो इस तरीके से आपके लिए बहुत ही अच्छा। तो गाइज यहाँ मैंने इसको डब्बे में भर के रख लिया। अब आप ना इसको अपने मास्क में मिला के लगाएं, आप मेहंदी लगा रहे हैं उसमें ज़रूर मिलाएं, मतलब आधा मेहंदी आधा ये कर लें। ये चार चम्मच मेहंदी है तो दो चम्मच इसको कर लें, और आप इसको रेगुलरली लगाइए। हफ्ते में एक बार लगाने की कोशिश तो ज़रूर कीजिएगा। और जब आपका हेयर फॉल हो रहा हो ना तब आपको अपने बालों में मसाज बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ चीज़ अप्लाई करनी है और वॉश करनी है। क्योंकि हेयर फॉल के टाइम अगर आप मसाज करेंगे तो आपके बाल और भी ज़्यादा गिरेंगे, फिर आप प्रोडक्ट को दोष दोगे कि ये प्रोडक्ट ख़राब है। ठीक है, तो इस तरीके से मेहंदी तो मोस्टली लोग लगाते हैं कलरिंग के लिए, तो मेहंदी में लगाएँ, अपने हेयर मास्क में लगाएँ। आप अगर बालों में दही लगा रहे हैं तो दही में मिला के लगाइए, और यकीन मानिए ये आपके बालों को बहुत बहुत सुंदर कलर, एक सुंदर शाइन, आपके बालों को वॉल्यूम, बाउंस सब कुछ देगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना जो भी सजेशन है या कोई अप्रिसिएशन है वो ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, क्योंकि उसी से मेरे को मन करता है कुछ बनाने का, अदरवाइज ना मन नहीं करता बिल्कुल भी कि मैं कुछ भी शेयर करूँ। टिल देन गॉड ब्लेस यू गाइज, बाय बाय। इंस्टा पे ज़रूर से फॉलो कर ले।